ये जो कनेक्टिंग रोड है जो एन एच एट आप मेरे राइट की ओर देख रहे हैं, हम लोग सर्विस रोड से भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। जैसे तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा नाला, कितना बड़ा गड्ढा है। देखिए लोग कहाँ से आ रहे हैं, एकदम लेफ्ट से, एक्सट्रीम लेफ्ट से होकर फिर ये लोग इस तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पे। सर्विस लेन हम लोग जा रहे हैं, आप ये देखिए सड़क की आधी कटी हुई है, फ्लाईओवर है और हम कट देते हुए फिर हम इस आधे सेट की ओर ज्वाइन करेंगे। सर्विस रोड का सच में बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं आगे, आप देखते रहेंगे कितना बुरा हाल है यहाँ पर। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ के, ये देखें देखिए दोस्तों, अब हम इसी रोड से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल इंजन और पेट्रोल के सामने कितना बुरा हाल है, यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर है, और देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी सड़क से हट के साइड पे चल रही है। हाँ साइड पे होकर जा रही है, डिवाइडर के ऊपर और पेमेंट के ऊपर करके गाड़ियाँ जा रही हैं, और आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आगे भी सड़क देखिए जरा, हालत देखिए सड़क की, अरे बाप रे, गाड़ी नीचे से चल रही है, साइड में देखिए जरा, साइड में देखिए जरा, साइड में गाड़ियाँ नीचे से जा रही हैं, रोड तो जा नहीं रही है, इतनी मुश्किल है है। और यही चीज़ सोच के देखे रात को जब गाड़ियाँ यहाँ से जाती होंगी तो क्या होता होगा, सबसे ज़्यादा तो इमरजेंसी के लिए होता है, अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो उसमें किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ही बुरा हाल है। हमारे देश को अगर कुछ भी सुधारना है तो सबसे पहले सड़क सुधारनी चाहिए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोड सेफ्टी वीक अभी चल रहा है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस प्रकार के सरकार हैशटैग जब चलाती है, तो एक बार थोड़ा जरा इस रोडों की तरफ ध्यान भी दे ले तो कितनी रोड सेफ हो सकती है। अगर सड़क ही नहीं है तो जीवन कहाँ से रहेगा, पहले ये बताइए, अगर सड़क गड्ढे होंगे तो जीवन होगा कहाँ से, गड्ढे ही निकल लेंगे जीवनों को, तो आप समझ सकते हैं जैसे रोड सेफ्टी वीक चल रहा है अभी 11 से 17 तारीख तक का, इन दिनों में गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस करती है, स्पेशली डेडिकेटेड वीक है, तो ऐसे दिनों में ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे जो कमियाँ हैं रोडों के ऊपर और जो सेफ्टी मेजर्स की आवश्यकता है, उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेने का काम सरकार करे।